जुल्म पर जुल्म तुम कर रहे हो, कांपे की जमीन तो फिर क्या होगा। जो विशालगढ़ कोल्हापुर में मस्जिद के ऊपर हमला हुआ और जो जो तकलीफें हुई, जो हम लोग सेंटीमेंट्स को तकलीफ हुई, उसके बारे में हमने लेटर दिया कि वहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी जैसे इलेक्शन के बाद लोकसभा मॉब लिंचिंग हुई, मस्जिद का मसला हुआ, तो मैं इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं। नाम लीजिए, आप नाम लेने से डर रहे हैं हमारा। अगर आप भिवंडी में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इम्पोर्टेड चॉकलेट, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इम्पोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। दोस्तों अर्ज क्या है, जुल्म पर जुल्म तुम कर रहे हो, कांपे की जमीन तो फिर क्या होगा। तुम फिरौन बनकर यूं ना घूमो, वरना हम मूसा बन गए तो फिर क्या होगा। दोस्तों यही हाल कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहाँ पे हम देख रहे जहाँ पे देखा गया है कि जो विशालगढ़ की जो दरगाह थी, मस्जिद थी, तो उसके ऊपर पत्थर हुए, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है और उसके बाद में मामला जो है काफी संगीन हो गया। और इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी भिवंडी वेस्ट के जो प्रभारी है रियाज आजमी साहब, तो उन्होंने एक डेलीगेशन लाकर भिवंडी डीसीपी को और प्रांत ऑफिस में एक लेटर दिया, जिसमें ये कहा कि ये जो कार्रवाई हुई है, इसकी ये जो मामला हुआ है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर फैक्ट चेकिंग होना चाहिए और जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा के रिजल्ट आए, लोकसभा के बाद में अब विधानसभा का जो इलेक्शन है वो काफी करीब है, हमने देखा जिस तरह से जो माहौल बनता जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन को भी प्रभावित करेगा और जो वोट को पोलराइज करेगा, क्योंकि ये जो मामला हुआ है ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर हुआ है और दो धर्मों के बीच में हुआ है। तो धर्म के नाम पर हिंसा जो है ये सिर्फ देश के लिए ही नहीं, हमारे राज्य के लिए भी काफी हानिकारक है। तो देखते हैं रियाज आजमी ने क्या कहा हमारे साथ। रियाज भाई क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आपने प्रांत ऑफिस में रिटर्न दिया और इसी के साथ से मुलाकात की, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आज हम लोग यहाँ प्रांत कार्यालय में और डीसीपी ऑफिस में आए थे, मुद्दा ये था कि जो विशालगढ़ कोल्हापुर में मस्जिद के ऊपर हमला हुआ और जो जो तकलीफें हुई, जो हम लोग सेंटीमेंट्स को तकलीफ हुई, उसके बारे में हमने लेटर दिया कि वहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि प्रांत ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस में कई सारे लेटर दिए जाते हैं नेताओं के जरिए और कहा जाता है कि उन पर कार्रवाई की जाए, मगर आज तक कभी किसी भी लेटर का जवाब सुनते हुए नहीं देखा गया। ये आपको बता दूं, आज हमारे डीसीपी साहब ने हमको बताया कि 25 लोगों की लगभग गिरफ्तारी हो गई वहाँ पे कोल्हापुर में और कार्रवाई हुई, और ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो, महाराष्ट्र है ये और अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है और यहाँ बातें सुनी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हर बार कुछ महीने में या कुछ सालों में आपको ये इंसिडेंट कई बार देखने को मिलेंगे और ये चीज़ें होती रहती है, इस पर कोई रोकथाम नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई, अभी जैसे इलेक्शन के बाद लोकसभा मॉब लिंचिंग हुई, मस्जिद का मसला हुआ, तो मैं इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं। नाम लीजिए, आप नाम लेने से डर रहे हैं हमारा। आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आवाज़ उठानी पड़ेगी हम लोग के लिए। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, हम लोग भी अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ का एमपी भी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया। शाहू महाराज जी जो हैं वहाँ पे एमपी है, उनके लड़के जो है वही मूवमेंट के चला रहे थे, कार्रवाई कर रहे हैं लोग। वो इंडिया अलायंस है, जो राहुल गांधी जी हैं और जो लोग हैं इनके लीडर्स हैं, वो कार्रवाई करेंगे अपने हिसाब से, मगर इनका मानना है कि इनसे हम आवेदन करना चाहते हैं इंडिया अलायंस को कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी इस मामले में। तो क्या लगता है आज आपके इस जो आपने कदम उठाया कि काम को लेकर दिया है और डीसीपी साहब से बात की है, तो इस पर कितना असर पड़ेगा। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे यहाँ पर आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा।
ऐसा भी देखा गया कि अभी तक सिर्फ आप ही ने यहाँ पर किया है और भी कई सारी पार्टियाँ हैं भिवंडी शहर में, तो क्या उन्हें मुसलमानों का दर्द नज़र नहीं आता, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं शुरू से कहता हूँ, हम लोग अपना काम करते चलते, दूसरे लोगों का क्या मामला है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरे लोग को आना चाहिए। देखिए, जब से हिंदुस्तान में नई हुकूमत का गठन हुआ है, वो जिस दिन शपथ ली गई हुकूमत की, मोदी जी ने शपथ ली, उस दिन से लेके आज तक अलग अलग जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई। अदर स्टेट में तकरीबन 5 से 7 मॉब लिंचिंग हुई। उसके बाद महाराष्ट्र जो है एक ये अंबेडकर और शिवाजी महाराज की सरजमीन है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद ना था और ना कभी रहेगा आगे। लेकिन जिस तरह से कोल्हापुर के विशालगढ़ में एक 500 साल पुरानी मस्जिद को विवाद बनाकर और उसके ऊपर अतिक्रमण हटाने के बहाने मस्जिद पे हमला किया गया, मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, यहाँ तक कि पूरी बस्ती जो है तो शदीद बारिश के अंदर अपने घर बार छोड़ के जंगल में पना लेनी पड़ी। और सबसे दुख की बात यह है कि सब पुलिस प्रशासन के सामने, वहाँ पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरा ये सवाल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि अगर पुलिस के सामने ये सब दंगा इस तरह दंगा करते हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की क्या मसला है, लॉ एंड ऑर्डर किधर है? और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए कि दंगा करने वाले अगर मुसलमान होते इस तरह का, तो पुलिस का रवैया वहाँ पर क्या रहता? ये तमाम चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पे हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अलायंस के वहाँ पे जो हमारे खासदार है वो कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस के खासदार का बेटा संभाजी राजे वो, और एक रविंद्र पडवल जो एक संस्था चलाता है, और एक लेडी थी उसने ठाकुर, उसने 15 दिन पहले वीडियो निकाला इस तरह का, और उन्होंने उसके उनकी सरबराई की और पूरा वहाँ पे इस तरह का मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया गया वो दुर्भाग्य से हमने अपनी आँखों से देखा। और मस्जिद के ऊपर चढ़ के हथौड़े से मस्जिद तोड़ी जा रही थी, आप इसको एक छोटा वाक्य नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान के अंदर लगातार मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है यहाँ, और हालत ये है कि जो इंडिया अलायंस को मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, चाहे कोई पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं, जितने भी अलायंस के अंदर शामिल थे उन सबकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों ने जिस तरह आपको हुकूमत में पहुंचाया, आपको एक मजबूत अपोजिशन के रूप में खड़ा किया, तो इंडिया अलायंस को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने इस बार मुसलमानों का सपोर्ट नहीं किया, या वो समझते हैं कि मुसलमान डरे हुए या गुलाम है किसी के, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर उन्होंने अभी जो बजट सेशन आने वाला है पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाए और मुसलमानों को अल्पसंख्यक की बजाय मुसलमान बोल के नाम लेना भी पसंद नहीं करे, डर रहे हैं, अगर उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाए तो आप देखेंगे कि जिस तरह उनको हमने पार्लियामेंट में पहुंचाया है, हम उस तरह पार्लियामेंट से उतारने का भी हक रखते हैं उनको। ये जो इंसिडेंट हुआ था, तो ये आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव डाल सकता है? देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के अंदर गुस्सा है, पुलिस ने वहाँ भरपूर कार्रवाई की है, 500 लोग पे मुकदमा दर्ज किया है, और वो शाहूजी महाराज जो कांग्रेस के एमपी है उनका बेटा जो संभाजी राजे उस पर, और रविंद्र पडवल पर केस भी दर्ज किया है, 25 लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि उन पर मकोके के तहत कार्रवाई की जाए, और आने वाले इलेक्शन को बुनाने के लिए जिस तरह से ये लोग जो नफरत फैला रहे, जिसमें बिल्कुल टी राजा सिंह और नीलेश राणे, ये दोनों घूम घूम कर जिस तरह से सकल हिंदू समाज के मोर्चे निकाल के एक माहौल मुसलमान के खिलाफ क्रिएट कर रहे हैं, इन पर भी मकोका के तहत या देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। और माननीय हमारे जो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के हमारे अबू आसिम आजमी साहब हैं, उनके आदेश पर रियाज आजमी और समाजवादी पार्टी हमारी टीम पूरी यहाँ पर आ जाई है, और अबू आसिम आजमी साहब भी बहुत जल्द कोल्हापुर जाने वाले हैं, और आप देखेंगे एक फेक फाइंडिंग टीम हम बनाएंगे, और मुसलमानों की तरफ से भी जितनी तंजीमें वो कार्रवाई की मांग कर रही है, अगर हुकूमत ने कार्रवाई की मांग पूरी नहीं की तो हम बहुत जल्दी रोड पर एजिटेशन करेंगे।